हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को है संडे है, लक्ष्मी पूजा भी है आज को। तो हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं कलकत्ता से बाहर, मतलब वो भाई अपना ही घर है, जा रहे हैं खड़गपुर। तो आप लोग सुने होंगे खड़गपुर IIT, जो फेमस है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वहीं पर मेरा घर है, तो मैं आज को जा रहा हूँ थोड़ा सा वहीं पर लक्ष्मी पूजा का लिए। तो उसके लिए आज को हम लोग जाएंगे हाईवे से पकड़ के, मतलब कलकत्ता से जो खड़गपुर का जो डिस्टेंस है दैट इज लगभग 140 किलोमीटर है। तो 140 किलोमीटर जाने के लिए साढ़े तीन घंटा तो लग ही जाता है। और आज को हम लोग ड्राइव करेंगे NH19 पे। तो आज को मैं सोचा चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग में से काफी सारे बंदे तो शहर में गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन अगर हाईवे में गाड़ी चलाना है तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हाईवे एक ऐसा जगह है जहां पर गलती का कोई जगह नहीं होता है। आपका एक छोटा सा गलती भी जानलेवा हो सकता है। तो आज को मैं छोटा छोटा दो चार टिप्स आप लोग को दूंगा हाईवे ड्राइविंग का बारे में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह हर एक पोर्शन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिलहाल तो अभी हम लोग सिटी में हैं, तो यहाँ पर दिखाने लायक कुछ है नहीं। हाईवे में चढ़ते हैं, फिर आपको शायद शेयर करते हैं। तो अभी आ गए हैं हुगली सेतु, जो सेकंड ब्रिज है जो कलकत्ता के बाद जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हैं, ये सेकंड हुगली ब्रिज। ये पूरा पूरी सस्पेंशन ब्रिज है, और मेरे को ये ब्रिज काफ़ी मज़ा आता है। पता नहीं, देखने में भी जितना सुंदर दिन में भी रात में, और साथ में आसमान देखो भाई, इस टाइम का जो आसमान जो आता है ना, मतलब क्या बताएं। देखो ब्लू और एकदम वाइट का जो अजीब कॉम्बिनेशन है यार, देख के दिल खुश हो जाता है। फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं NH19 पे। ये रास्ता सीधा कनेक्ट करता है खड़गपुर जाके, दो रास्ता कट जाता है, एक चला जाता है साउथ में टुवर्ड्स चेन्नई, और जो सीधा रास्ता जाएगा वो जाएगा आपका टुवर्ड्स मुंबई। ठीक है, वो मैं जब आएगा तब दिखा दूंगा। तो चलिए अभी बताते हैं। देखिए ये दरअसल सिक्स लेन बोले तो, देखिए अभी एक लेन में मैं आ गया, ठीक है, दूसरा लेन में देखिए एक ट्रक जा रहा है, तीसरा लेन में और एक ट्रक जा रहा है। तो ये तीन लेन इधर हो गया, तीन लेन उधर हो गया, तो ये हो गया सिक्स लेन। अगर आप गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाते हो, जो मैं पहले रूल्स बता देता हूँ क्या होना चाहिए, अगर आप गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाते हो तो आपके लिए ये लेन है एक्सट्रीम लेफ्ट लेन, हमेशा होता है जो गाड़ी सबसे धीरे जा रहा है उसके लिए, बड़ा बड़ा ट्रक्स के लिए। हालांकि हम लोग का देश में कोई कुछ नहीं मानता। मिडिल लेन, जो आप मीडियोकर जितना स्पीड है, अगर टू लेन है, मतलब लेफ्ट का जो लेन है वो है स्लो लेन, ठीक है, और एकदम राइट एक्सट्रीम राइट का जो लेन होता है वो होता है फास्ट लेन। देखिए अभी मैं फास्ट लेन में आ गया, लेकिन फास्ट लेन में जाने से क्या होगा, सबसे स्लो वाला गाड़ी फर्स्ट लेन में चलता है, और उधर से देखिए एक बस भी आ रहा है और बंदा है ओवरटेक कर रहा है। अभी ये दो ट्रक का बीच से अगर हम लोग को निकालना है, तो पहले आप अपना जो खिड़की है उधर अच्छी तरह से देख लें, उसको चेक कर लें, ठीक है, उधर कुछ है या नहीं। अगर नहीं है, इंडिकेटर जलाइए, फिर जाके गाड़ी को लेन चेंज कीजिए, और फिर सीधा गाड़ी को बढ़ाइए। ऐसा नहीं जो ब्लाइंडली आप मोड़ दिए, क्योंकि उस तरफ से भी आपको दिखेगा नहीं शायद, तो उस तरफ से भी कोई दूसरा कोई गाड़ी आ सकता है, जो जिससे आपको साइड इंपैक्ट हो सकता है। कर रहा हूँ फास्ट लेन में, गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, इससे भी थोड़ा मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा घटा के। साथ में मैं और एक ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब छोटा मोटा डिस्टेंस है तो ठीक है, अगर हाईवे में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आपका पेट्रोल गाड़ी है या फिर डीजल कोई भी गाड़ी हो, तो अगर आपको उससे ज़्यादा माइलेज निकालना है, ठीक है, तो आप काम करो, एक गाड़ी को हमेशा 80 में चलाओ, ठीक है, RPM को 2500 RPM में रखो। आप देखना जो गाड़ी का जो बेस्ट माइलेज निकल के आता है ना, वो आपको इसी से मिलेगा, इस कॉम्बिनेशन से। आप 100 के ऊपर चलाओगे तो देखोगे आपका माइलेज ड्रॉप कर रहा है, तो और आप हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप पहुंचोगे 5-10-15 मिनट का डिफरेंस में पहुंचोगे अपना डेस्टिनेशन पे। तो फिर अननेसेसरीली क्यों फ्यूल जलाना है, आराम से चलाओ, 80-90 तक चलाओ। ये देखो बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, यही गलती का जगह नहीं रहता है, क्योंकि आप जो बंदा अभी क्रॉस कर रहा है ना रोड, उसको पता नहीं चल रहा है जो आप कितना स्पीड में आ रहे हो। उसको आप देखोगे बहुत दूर से, आप देखोगे जो बंदा मतलब आपका गाड़ी जो है वो काफ़ी दूर से उसको दिखेगा, लेकिन देख के उसका लेकिन स्पीड का अंदाजा नहीं होगा जब आप 90-100 से चला रहे हो, और कितना जल्दी वो गाड़ी आप उसके सामने आ सकता है।
तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली क्रॉसिंग में, और जहाँ इस तरह का जो झाड़ी बना रहता है ना दोनों हाईवेज के बीच में, कभी कभी बंदा या फिर आदमी और गाय भैंस बकरी कुछ भी उतर के आ सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मिडिल, अगर 6 लेन है, मतलब इधर 3 लेन है, मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा मिडिल लेन में रहता हूँ ताकि थोड़ा सा तो टाइम मिल जाए, उधर से कोई आएगा तो थोड़ा सा दिख जाएगा। हालांकि हर हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे अभी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को फर्स्ट लेन में जाना ही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ तुरंत बीच वाला लेन में आ जाता हूँ अगर 6 लेन है, ताकि मेरे को दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मतलब देखने का, अगर कोई उतर के आता है भैंस बकरी कुछ भी है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेरे को, ताकि मैं अपना गाड़ी को थोड़ा सा इधर दाएं बाएं करके मैनेज कर लूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और आगे कुछ याद आया, कुछ बताने लायक हुआ तो बिल्कुल बताएंगे। चलिए दोस्तों अभी दिखाते हैं ओवरटेक करना कैसे, कैसे हाईवे में कैसे ओवरटेक करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप काफी जोर से जाओगे, आपके जो आगे वाला जो गाड़ी जा रहा है वो भी जोर से ही जा रहा है, तो ओवरटेक कैसे करना है वो बताते हैं। अभी इस ट्रक को मैं ओवरटेक करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले उनको हॉर्न बजाया, उसको हॉर्न देके मैं बता दिया, हालांकि जगह है, हॉर्न बजाने का जरूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी हॉर्न बजा के ओवरटेक करो, ताकि उसका ध्यान जो सामने वाला ड्राइवर है आपके तरफ जाए, फिर आप ओवरटेक करो। तो ये कुछ सेफ ड्राइविंग टैक्टिक्स है जो आपको फॉलो करना है। और देखिए फिर से मैं मिडिल लेन में आ गया, फिलहाल जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हाईवे में चलोगे ना अजीब अजीब तरह का सब चीज देखने को मिलेगी, ये पता नहीं क्या लेके जा रहा है, कितना बड़ा सामान लेके जा रहा है। देखो भाई, एंड हैट्स ऑफ टू द ट्रेलर ड्राइवर्स जो इतना बड़ा बड़ा सामान को आराम से ढोते हुए आराम से निकल के जाता है, तो दे हैव अलग ही लेवल का लोग का कैपेसिटी है, वो हमसे और आपसे ना हो पाएगा। तो फिलहाल हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और टाइम लग गया है 1 घंटा 15 मिनट। आज को हालांकि हाईवे काफी खाली है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत का बात है ना, ये जो हाईवे का बीच में आप देखो जो सिग्नल करके रखा है, मतलब यार एक सिग्नल में रोको ना, कलकत्ता सिटी के अंदर भी इतना मतलब सिग्नल में खड़ा नहीं होना पड़ता, यहाँ देखो बोलते बोलते फिर से सिग्नल। यार NH के ऊपर सिग्नल देके रखने का क्या लॉजिक है मेरे को समझ में नहीं आता है, लॉजिक नहीं है, इंडिया में किसी भी चीज का लॉजिक नहीं है, ढूंढने जाओगे पागल हो जाओगे। जीना जीना रे हुआ गुलाम, माई तेरी चुनरिया लहराई, और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा।